करवा चौथ। तो आज अब शाम होने आई है और आज हम जा रहे हैं अंकिता के घर पे, जो मेरी फ्रेंड है। उसने उसकी भी शादी के बाद ये पहला करवा चौथ है, तो उसने सारे लेडीज को बुलाया है और थोड़ी देर बाद उनके हस्बैंड्स को भी बुलाया है। बट क्योंकि कुणाल की तबीयत ठीक नहीं है तो आई डोंट नो कि वो आ पाएगा या नहीं। पर अभी इस वक्त मैं, मेरी सासुमा और मेरी जो ननंद है, हम तीनों जा रहे हैं वहाँ पे कथा सुनने के लिए, पूजा करने के लिए। एक साथ में करेंगे, मेरा भी ये टेक्निकली शादी के बाद ऑब्वियसली पहला करवा चौथ है। बट वैसे तो मैं बहुत साल से रख रही हूँ, जब से मैं उससे मिली हूँ तो इट्स बीन आई थिंक 15 ईयर्स, मतलब मेरा करवा चौथ रखते रखते। बट शादी के बाद वाला ये पहला वाला साल है तो स्पेशल है। एंड बस अभी हम पहुंच रहे हैं, थोड़ा लेट हो गई हूँ सजने संवरने। जैसे आप देख सकते हैं मैं बहुत ज्यादा सजी हूँ आज तो इसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और अब हम जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं फटाफट से, क्योंकि ये पूजा जो होती है कथा, ये सूरज ढलने से पहले ही करनी पड़ती है। तो बस पहुंच रहे हैं फटाफट से। मैं हैप्पी करवा चौथ, मम्मी जी के पास जाओ थोड़ा सा, वो एकदम हैप्पी करवा चौथ। मम्मी जी कितने साल हुए आपको व्रत रख के? ये कितने साल? 40 साल हो गए। और इनकी मेहंदी मेरे से ज्यादा रंग लाई है अभी भी, तो आई थिंक पापा जी ज्यादा प्यार करते हैं इनसे। कल हम लोग ने रात को मेहंदी लगाई थी और अब आई है कलर। हाँ अब आई है मेरी भी, मेरी धीरे धीरे चढ़ रही है कलर। इनकी तो इतने साल हो गए इसलिए फट से कलर चढ़ गया इनके हाथ में। बुढ़ापे में ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि ज्यादा जरूरत रहती है। तो सेकंड बाइट खाती है तो उसमें से उन्हें बाल निकलते हैं। फिर उन्हें लगता है जरूर कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो मैंने गलत किया, कुछ तो गलत हुआ है, मुझे फीलिंग सही नहीं लग रही। और वैसे उनके ससुराल से उन्हें संदेश आता है कि तुम्हारे पति की जो है मृत्यु हो गई है। अब वहां पर है ना पहला करवा चौथ, बहुत यंग गर्ल, अब उन्हें पता चल रहा है कि मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन समाप्त हो गया। अब यहाँ पर एक वैसे पर पड़ा है, दो गुड़िया लाकर देना महाराज, परंतु जो गुड़िया है उनमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, लाइक एकदम आइडेंटिकल मुझे दो डॉल चाहिए। वो तो तुम कुछ भी मांग सकते हो, जो तुम चाहो वो देने, मुझे सिर्फ वो दो गुड़िया ला कर दो। वो कहते हैं सिर्फ वो गुड़िया बोलते हैं। हाँ, अब महाराज चले जाते हैं और जब आते हैं तो अपनी रानी के लिए बहुत सारे कपड़े लाते हैं, जूली लाते हैं, जो वो कहते हैं ले करते हैं और इनको वो दो गुड़िया ला कर दे देते। अब देखते हैं गुड़िया से बात करते करते आगे क्या होता है। वो सिक्स करती है जब भी रहा, तो उसकी जो सुइयां हैं वो उनके पति को चुभ रही हैं, तो हमें भी वो काम नहीं करना चाहिए।
रूठे को मनाई ना। गणेश देवा माता राखी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता राखी पार्वती पिता महादेवा, और चढ़े देवा हरि ओम देव शांति शांति पृथ्वी शांति राम शांति रोग बेचारी एम्बैरेस हो रही है। मैंने करती हूँ, हमारे कॉलेज में भी करती हूँ, इतने साल हो गए। मैंने मैसेज भी कर दी, मुझे नहीं पता था कि तू आ रही है। अच्छा हाँ, मैं आ रही हूँ। हमारा व्रत सीरियस नहीं का लगता है, सबसे ज्यादा अकेले करते हैं
और अब हम चांद का वेट कर रहे हैं, अब रहा नहीं जा रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा नहीं। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है इस वक्त। क्या मन कर रहा है? पानी पीना है। मुझे पानी पीना है, खाना नहीं खाना है, बट पानी पीना है। ये मेरी दूसरी ननद है। अरे हाय तो बोल। हाय बोलो। और अब रात के 9:30 बज रहे लगभग। बस अब मुझसे नहीं हो रहा है, मतलब भूख नहीं लगी है पर बहुत प्यास लग रही है और सर दुख रहा है मेरा, नींद आ रही है। अब रहा नहीं जा रहा है, चांद आ जा जल्दी। अभी देखो मत, लेकिन अभी मत देखना उसको, आने दो विक्की को। आरती तुम्हारा चांद आ गया है? चांद ही आया है, बाकी और कौन? कौन नहीं आया है चांद के पीछे? वो चांद पे तो नहीं है। कैसा लग रहा है? पुजारी भूल गए कि खाना कहाँ है।